हेलो नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर रिवीजन प्रीलिम्स 2018 के लिए ये हमारा लेक्चर है। इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस का थर्ड लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है जॉइंट प्रिपरेटिव नोट्स के बारे में। तो देखते हैं कि JIN है क्या, क्योंकि UPSC पूछ सकती है। तो JIN है वो मेनली कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि इंडिया और बांग्लादेश के में रिसेंटली इनको साइन किया गया है। अब देखते हैं कि है क्या चीज़ ये। तो देखो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब देखो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का मतलब ये होता है कि एक देश की कंट्री है वो दूसरे देश में अगर इन्वेस्ट करती है, तो जैसे इंडिया का एग्जाम्पल ले लो आप, इंडिया और बांग्लादेश का, कि इंडिया की कोई कंपनी बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ऐसे रूल रेगुलेशन ना बने ताकि इंडिया के इन्वेस्टर को नुकसान हो, और इसी तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट भी ऐसे रूल रेगुलेशन ना बने ताकि बांग्लादेश के थ्रू इंडिया में जो इन्वेस्ट आ रही है उनको नुकसान हो। तो मतलब एक दूसरे के इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, एक इको फ्रेंडली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के लिए बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है वो साइन की जाती है ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा आ सकें। तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी देने के लिए उसमें जो भी देखो इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ कमी क्या तो खामियां होती हैं ट्रीटी वगैरह में, तो उन संदिग्धताओं का कई बार काफ़ी कुछ कमियां रहती हैं जिन मतलब वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वगैरह नहीं होती है। तो उन सबको दूर करने के लिए जो जॉइंट इंटरप्रेटेटिव नोट्स हैं वो साइन किया गया है बांग्लादेश के साथ। मतलब जो भी रूल रेगुलेशन है पहले के उनके साथ जो भी ट्रांसपेरेंसी हो आएगी और उसमें ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो UPSC पूछ सकते हैं कि रिसेंटली किसके साथ साइन वगैरह, तो याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया ने जॉइंट इंटरप्रेटेटिव नोट्स है साइन किया अभी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है SAACC रोड कनेक्टिविटी के बारे में। तो SAACC रोड कनेक्टिविटी का मतलब है साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन रोड कनेक्टिविटी। तो देखो इसके लिए बात यह है, कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट सबसे पहले ये है कि नेशनल हाईवे 39 है जो कि मणिपुर से होकर गुजरता है, उस हाईवे की एक्चुअली वो जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है, तो चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वो काफ़ी अच्छे से हो सके। और ये जो नेशनल हाईवे 39 है ये मेनली इम्फाल से मोहित तक का रास्ते पे है, तो ये ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे 39 एक तो है कहाँ पे, तो इम्फाल से मोहित तक के एरिया में क्या किया जाएगा, सड़क की चौड़ाई वो बढ़ाई जा रही है। ये तो था कंटेक्स्ट। तो हमें इसके बारे में दो तीन चीज़ें ये देखनी है, एक तो SAC रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है, इसके बाद में हमें देखना है कि साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है ये भी क्या है। तो देखो ये जो रोड कनेक्टिविटी का जो प्रोग्राम चलाया गया है यह मेनली एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी हेल्प से इसको सपोर्ट है वो दिया जा रहा है। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसके लिए पैसा है वो दे रहा है। और इसमें अगली बात यह है कि यह चलाया क्यों गया, इसलिए चलाया गया ताकि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं उसके बीच में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए मेनली स्टार्ट किया गया और 2001 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि SAC क्या है यहाँ पे। इसी के साथ SAC जैसा हमने देखा कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज हैं वो जैसे साउथ एशिया की 7 कंट्रीज आती है इसमें मेनली इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो ये तुम्हें ध्यान रखना कि SAC में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इनका काम क्या है, ये क्यों बनाया गया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यह मेनली इसलिए बनाया गया ताकि देखो आसपास की जो कंट्रीज हैं उनमें एक तरह से कनेक्टिविटी वो बढ़ सके, इसके साथ ही इकोनॉमिक रिलेशन वो बढ़ेंगे, क्योंकि देखो जब ट्रेड बढ़ेगा तो ओबियसली इकोनॉमिक रिलेशन है वो बढ़ेंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो BBIN कॉन्सेप्ट है उसको भी यह सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की क्या कंप्लीट चीज़ हमने डिस्कस की। और इसमें देखो दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आता है, वो आता है नेशनल हाईवे जो है 39 उसके बारे में, कि नेशनल हाईवे 39 है वो एशियन हाईवे जो फर्स्ट है उसका एक पार्ट है। तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली आया होगा कि एशियन हाईवे है कहाँ और कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो इसकी एक बार मैं आपको फोटो के फॉर्म में एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एशियन हाईवे है वो मेनली यहाँ जापान से देखो स्टार्ट हो रहा है, एशियन हाईवे फर्स्ट जापान से स्टार्ट होते हुए और फिर यहाँ आगे जाके यूरोप में जो इस्तांबुल है जो कि टर्की का ही पार्ट यूरोप वाले एरिया में वहाँ तक कनेक्टिविटी फैलाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये रूट मेनली यहाँ होते हुए मतलब लाओस वगैरह, कंबोडिया वगैरह, म्यांमार वगैरह होते हुए फिर इंडिया के सदस्य से बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए फिर न्यू दिल्ली से क्रॉस करते हुए फिर ऐसे ही रूट पर जा रहे हैं। तो इसी हाईवे का मैं ये एक नेशनल जो मतलब आसियन हाईवे है फर्स्ट है इसका ये एक पार्ट है। ये हमें ध्यान रखना है कि नेशनल हाईवे 39 है वो एशियन हाईवे फर्स्ट का एक पार्ट है। AH1 का मैप हमने डिस्कस कर लिया कहाँ से कहाँ तक है ये एशियन हाईवे फर्स्ट, ये हमने टोक्यो से इस्तांबुल के तक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है SDG इंडेक्स 2017 के बारे में। न्यूज़ ये है कि SDG इंडेक्स 2017 वो जारी किया गया और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई है 116 मतलब 116 रैंक का ये आउट ऑफ 157 के बीच में। तो देख लेते हैं कि है क्या यहीं तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल इंडेक्स है यह मेनली जारी किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही जारी इसमें दूसरा पार्टनर जिसने जारी किया वो है इसमें सहयोगी, उसका नाम है ब्रिटेट्समैन शिफ्टिंग के द्वारा यह जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है देखो आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट रखे गए कि 2030 तक हमें ये टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं, 17 टारगेट्स हैं उसमें SDG गोल्स में। तो उन 17 टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी बीच बीच में क्या है कि रिव्यू परफॉर्मेंस चेक की जा रही है कि हाँ भाई कौन कौन सी कंट्रीज कैसे किस तरीके से काम कर रही है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग है वही 116 है, तो इसको लेकर यह न्यूज आई है।
ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई है दिल्ली डायलॉग के बारे में, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। दिल्ली डायलॉग है, कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि दिल्ली डायलॉग का जो नोवा एडिशन है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है, एक एनुअल इवेंट है जो कि हर साल होता है, 2009 से इसे स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना है। तो एक तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि दिल्ली डायलॉग किससे रिलेटेड है, तो मेनली दिल्ली डायलॉग है वो इंडिया और आसियान के बीच में पॉलिटिकली, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर रिलेशंस को बढ़ाने के लिए है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि दिल्ली डायलॉग किन किन के बीच में, इंडिया और आसियान के बीच में रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। इसके साथ ही किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया इस बार, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया वो क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इसके साथ ऑब्जर्वर रिसर्च जो फाउंडेशन थिंक टैंक है जिसके हम कई बार आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं, इसके साथ फिक्की एक ग्रुप है उसके बारे में जो कि मेनली कॉमर्स का, जो कि कॉमर्शियल ग्रुप है, इसके साथ में कुछ आसियन कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ओनली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है हेब्रोन सिटी के बारे में। तो देखो, न्यूज़ एक है कि इसराइल और जो फिलिस्तीन है इनके बीच में डिस्प्यूट है हेब्रोन सिटी को लेके, तो हम एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं सबसे पहले, ताकि हमारा इश्यू दूर हो जाए। ये आपके सामने मैप है और ये मेनली आपको बताया कि इसराइल का सारा मैप है यहाँ पे, और इसमें ये मेनली वेस्ट बैंक का जो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे जो इतना सारा ऑलमोस्ट एरिया ये मेनली वेस्ट बैंक आता है जिसके बारे में हमने देखा था, और यहाँ पे इस वाले एरिया में वो गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी वो। तो जो हेब्रोन है ना वो जैसे जेरूसलम है वो भी क्या है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में विवादित सिटी है, विवादित शहर है, उसी प्रकार से हेब्रोन भी विवादित है। बट अभी हुआ ये सीन था कि हेब्रोन को यूनेस्को ने एक्चुअली इसका पार्ट बता दिया फिलिस्तीन का, तो इसी चीज़ को लेकर इसराइल को बुरा लग गया कि भाई ये तो डिस्प्यूट सिटी है और इसका आपको मतलब इसका पार्ट क्यों बता दिया था, तो उसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ और इसी वजह से इसराइल ने यूनेस्को की सदस्यता वो भी छोड़ दी थी। तो ये कंटेक्स्ट भी था, तो आपको मैंने पूरी न्यूज़ है वो बता दी है यहाँ पे, तो उसको लेकर हमें ध्यान रखनी है। यूनेस्को ने क्या क्या था, यूनेस्को ने किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर जो ये है हेब्रोन सिटी है इसको घोषित कर दिया था, और ये कहा कि ये फिलिस्तीन की एक सिटी है, तो इस वजह से इसराइल को बुरा लग गया कि भाई ये तो मतलब डिस्प्यूट सिटी है, तो इसके बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये फिलिस्तीन की है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। अब चलते हैं, हम लोकेशन हमने देख ही लिए, आगे चलते हैं जिबूटी के बारे में। देखो, एक बार आपको बता दूं कि हम जो इंपॉर्टेंट सिटी ने हेब्रोन सिटी वगैरह इनकी लोकेशन क्यों डिस्कस करते हैं। देखो, सिटी की लोकेशन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार क्या कहते हैं यूपीएससी मेज द फुलंग में पूछ लेती है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सिटी है कहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी ऐसे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पहले से अवेयर रहना है। बाकी मैपिंग में भी काफी बार देखो इन चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज़ आप जो भी मतलब सुनते हो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको बाद में कोई इशू ना हो। अब चलते हैं हम आगे, जैसे अगली न्यूज़ है वो है जिबूटी के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि जिबूटी की लोकेशन है वो कहाँ, नाम है वो डी से स्टार्ट होता है, बट डार्कनेस का जिबूटी प्रोनाउंसिएशन है वो होता है। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि चाइना ने अपना पहला मिलिट्री जो बेस है ओवरसीज वो बनाया है जिबूती में, तो मेरी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात यह कि ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक पार्ट है, तो हम इसके साथ ही लगे हाथ लोकेशन से वो देख लेते हैं। ये है मेनली, एक सेकंड आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मेनली आपको बता दूँ चार कंट्रीज आती हैं, सोमालिया आती है, इथोपिया आती है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जिबूटी है, और यहाँ पे इरिट्रिया, तो चार सिटी आती है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं आता हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और ये आप देख सकते हो जिबूटी, ये छोटी सी कंट्री है, ये है जिबूटी, यहाँ पे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि देखो जो भी स्वेज कैनाल से होते हो, जो भी रूट आता है ऐसे रेड सी होते हुए गल्फ ऑफ अदन तक, मतलब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है उसके लिए काफ़ी सकड़ा सा रास्ता है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी अहम होती है, इसलिए यहाँ पे जो सोमालिया के पायरेट्स हैं उनका खतरा रहता है, और इसीलिए चाइना ने यहाँ पे नेवल बेस बनाया। यहाँ पे यूएसए का भी नेवल बेस है, ऐसी बात नहीं है, तो मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो अपने कंसर्न्स के लिए, तो हमारी लोकेशन बहुत अच्छी होती है इसकी। लोकेशन हमें ध्यान रखना कि जिबूटी की लोकेशन है कहाँ, हमने इसके साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके बारे में भी लोकेशन है वो डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो ये वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस 2017 के बारे में। तो वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस 2017 है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि इसका 2200 एडिशन है वो टर्की के इस्तांबुल में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, यह आयोजित किया गया वर्ल्ड पेट्रोलियम काउंसिल के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी हर तीन साल में एक बार मीटिंग होती है। ये एक्चुअली इसके बारे में सारा डिटेल था वो हमने देखा गया। अगली बात यह कि जो पेट्रोलियम कांग्रेस है क्या, यह मेनली जो ऑयल और गैस कंट्रीज हैं उनका एक फॉर्म है, मतलब ऑयल और गैस कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, वो है वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस। तो इसकी हर तीन साल में एक मीटिंग होती है, इसका 2200 एडिशन है वो इस्तांबुल में हुआ है। इसको लेकर कंटेक्स्ट था, तो हमने सारे जो न्यूज थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो IFM है क्या देखते हैं, कंटेक्स्ट सबसे पहली बात है वो देखते हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी कंटेक्स्ट को बहुत में ध्यान रखती है आजकल, कि भी रिसेंटली IMF हुआ कि इनके बीच में, तो जाना करें कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में
जो मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है वो साइन हुई है। तो ये ध्यान रखना किस लिए साइन हुई है, यह इसलिए साइन हुई है ताकि इन्वेस्टमेंट है उसको स्मूथली रन किया जा सके। क्योंकि देखो एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो कई बार क्या कहते हैं, जैसे इंडिया का कोई भी इन्वेस्टर है अगर यूरोप में जाके कहीं भी इन्वेस्ट करा तो उसको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन्हें काफी चीज़ों का पता नहीं होता है वहाँ के रूल रेगुलेशन वगैरह के बारे में, तो उन्हें बहुत सी दिक्कत होती है और उनको माहौल नहीं मिलता है। तो इसलिए मतलब इन्वेस्टमेंट वहाँ पे अच्छा हो तो क्या करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट क्या एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगी इंडिया के इन्वेस्टर्स को, तो इसलिए स्मूथली इन्वेस्ट है वो रन हो सके वहाँ पे, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी अच्छा फायदा होता है। इसके लिए है एक मैकेनिज्म है IMF में, वो साइन किया गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो न्यूज है वो आई है टेरी के बारे में। तो देखते हैं कि टेरी है क्या। टेरी है वो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ये है कि ICCG इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस है, इसने अभी क्या किया था अपनी कुछ रैंकिंग जारी की थी ICCG ने। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट गवर्नेंस है, इसका मेनली काम यह है कि है जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉलिसी वगैरह है उन पे फोकस करते हैं कि भाई इन्वायरमेंट के लिए कहाँ से क्लाइमेट वगैरह की कैसी पॉलिसीज वगैरह नहीं है उनके रिलेटेड है काम है वो करती है। तो ICCG ने अभी क्या है रैंकिंग जारी की थी जो मतलब थिंक टैंक वगैरह है उन सब की, कि भाई कौन कौन सा जो क्लाइमेट के लिए अच्छा काम करा हुआ। तो जो टेरी जो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया का है मेनली, इसको क्या कहें सेकंड रैंक है मिली है, इसलिए है न्यूज़ में आया। तो हम टेरी के बारे में देख लेते हैं कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है क्या। तो यह सबसे बात आती है कि यह नॉट फॉर प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो 1974 में बनाया गया था। इसका पुराना नाम है वो है टाटा एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो ये में थोड़ा ध्यान रखना है, काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना या रिसर्च है उसको आगे बढ़ाना, इसके साथ क्लाइमेट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो इसको लेके ही टेरी को सेकंड रैंकिंग है वो दी गई है। तो हमने सारा कंटेक्स्ट था ICCG के बारे में डिस्कस कर लिया कि क्या है वो, किस तरीके का काम करती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो आई है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो देखते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज है क्या। मालाबार एक्सरसाइज है वो इंडिया और US के बीच में स्टार्ट हुई थी 1999 में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हुआ क्या था, 2015 में जापान भी इसमें शामिल हो गया। तो मतलब तीन देशों के बीच में साइन है, तीन देशों के बीच में एक्सरसाइज है वो होती है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है वो इसके नॉन परमानेंट मेंबर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर है वो इसके मेंबर तो नहीं है, बट उसके बाद भी वो नॉन परमानेंट मेंबर होने के नाते वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इसके परमानेंट मेंबर नहीं है, बाकी इसके परमानेंट मेंबर है वो तीन है, इंडिया, US और जापान। आगे है वो है मैत्री एक्सरसाइज के बारे में। तो मैत्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि UPSC इन एक्सरसाइज के बारे में डायरेक्टली पूछ लेती है। अगली जो न्यूज है वो आई है बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में, जो कि एजुकेशन पे, बीजिंग घोषणा, बीजिंग डिक्लेरेशन, तो है क्या देखते हैं। सबसे पहला तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बीजिंग डिक्लेरेशन एजुकेशन से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट ये है कि ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो उनके भी मीटिंग हुई थी, जो कि मतलब एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो आपस में मिले थे ब्रिक्स कंट्रीज के बीजिंग के अंदर। तो उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आपको बता दूं कि एजुकेशन है वो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल के जो टारगेट रखे गए हैं उनके चौथे टारगेट में आती है। SDG के टोटल 17 गोल्स हैं, वो आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन से 17 गोल हैं, उनके अंदर ही चौथा गोल है वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और उसको प्रमोट करने के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की कि ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में बीजिंग डिक्लेरेशन हुई थी, इसके बाद किस लिए है, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ये सारा न्यूज़ थी हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है पेगोडा के बारे में। तो देखते हैं कि पेगोडा है क्या। पेगोडा है वो मेनली म्यांमार से रिलेटेड, जैसे कि इंडिया में स्तूप वगैरह होते हैं उसी तरीके की एक मतलब डिज़ाइन होती है, एक बार आपको फोटो दिखाता हूँ, हाँ ऐसी डिज़ाइन होती है। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये था कि म्यांमार की एक सिटी थी जिसका नाम था बागान, वहाँ पे क्या था भूकंप आया गया था, तो जो पेगोडोस थे, जो स्तूप टाइप की जो संरचना थी इन पिरामिड टाइप की, इनका क्या कि काफ़ी मतलब ध्वस्त हो गए थे, इन टूट फूट गए थे। तो अभी इंडिया उन क्या कर रहा है कि जो इन पेगोडोस है इनकी मरम्मत करने के लिए हेल्प कर रहा है। इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है वो इनकी काफ़ी हेल्प सपोर्ट कर रहा है, मतलब वहाँ को उनको रिनोवेट वगैरह वो किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि बागान सिटी कहाँ से रिलेटेड है, बागान सिटी म्यांमार में है और जो मेनली बुद्धिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेगोडा है वो बुद्धिज्म के लिए काफ़ी अहम होते हैं। तो देखो इससे फायदा होगा कि जो भी टूरिस्ट वहां पे आएंगे उनको इंडिया के बारे में पता चलेगा और इंडिया के प्रति सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ेगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बागान सिटी के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है तापी के बारे में। तापी है वो है तैयब तापी पाइपलाइन के बारे में, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। तो ये ध्यान रखना है टी का मतलब यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, क्योंकि काफ़ी बार लोग तजाकिस्तान वगैरह करते, तो यहाँ में कन्फ्यूज नहीं होना है। और यह मेनली गैस पाइपलाइन है, जो कि गैस मतलब जहाँ से तुर्कमेनिस्तान से होती हुई गैस है वो इंडिया तक सप्लाई होगी, और बाकी जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनको भी गैस का कुछ हिस्सा वो मिलेगा। तो यह कुछ न्यूज़ थी तो हमने यहाँ पे देखी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है IOM के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, यह एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1951 में बना था।
और 2016 में इसे यूएन का पार्ट भी बना दिया गया था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी पूछ सकते हैं रिसेंटली इसे यूएन का पार्ट बनाया गया था, ये यूएन का पार्ट है या नहीं। तो ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है वो एक यूएन का पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर वो जिनेवा में, और इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया जिन जिनका मेंबर है वो हमें ध्यान रखनी है अच्छे से, उनमें हमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज वो आई है इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के बारे में, IVI के बारे में। कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, उसने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसके साथ एक MOU साइन किया है। तो MOU साइन किया, ठीक है, अच्छी बात है। MOU क्यों साइन किया है? काम ऑब्वियसली इसलिए साइन किया है ताकि इंडिया में रिसर्च वगैरह है उसको बढ़ाया जा सके, और उन मतलब इंडिया है वहाँ से कुछ हेल्प ले और इंडिया के साइंटिस्ट उनके लिए कुछ काम करें ताकि रिसर्च वगैरह वो आगे प्रमोट हो सके। तो यह न्यूज़ थी। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं IVI के बारे में। IVI है वो एक UNDP की हेल्प से बनाया गया था, इंटरनेशनल वैक्सीन जो इंस्टीट्यूट है वो UNDP की हेल्प से बनाया गया था। काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि नए वैक्सीन हैं उनको बनाना, इसके जो पुराने वैक्सीन हैं उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी है उसको बूस्ट करना, मतलब पुराने की कैपेसिटी बनाना, अच्छी तरीके से वो काम कर सकें, इसके लिए इनका निर्माण है वो किया गया है। और इंडिया है वो IVI के गवर्निंग काउंसिल का एक मेंबर है, यह ध्यान रखना है। और इंडिया ने एक रिसेंटली एक मेडिसिन भी बनाई थी इसके साथ मिलकर, IVI के साथ, जिसका नाम है कोलेरा वैक्सीन। तो यह भी ध्यान रखना है कि कोलेरा वैक्सीन है वो इंडिया ने मेनली IVI के साथ मिलकर बनाई थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ आती है वो मेनली आती है इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील के बारे में। तो देख लेते हैं, इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील है वो मेनली अभी साइन हुई थी, मतलब लास्ट ईयर साइन हुई थी उसको लेके, क्योंकि देखो हम करंट अफेयर वो 2017-18 की डिस्कस कर रहे हैं, तो यह मेनली जुलाई अगस्त की न्यूज़ है। अब चलते, इसमें ये था कि देखो जापान है वो नॉर्मली क्या गए, जो कंट्री जिस कंट्री ने NPT को साइन नहीं किया है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है NPT, जिसको जिस कंट्री ने साइन नहीं किया है, जापान उसके साथ क्या कोई भी न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता है। क्योंकि देखो जापान है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर हादसे की जो मार है वो झेल चुका है, तो जापान को डर रहता है, इसलिए जापान कोई भी ऐसी कंट्री के साथ डील साइन नहीं करता है जिसने NPT को साइन नहीं किया। बट इंडिया ने NPT साइन नहीं किया, उसके बावजूद भी उसने इंडिया के साथ साइन किया है। और किस कंडीशन पे किया? इस कंडीशन पे साइन किया कि भाई इंडिया फ्यूचर में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट है वो नहीं करेगा, अगर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो आगे से जो भी एग्रीमेंट है वो रद्द हो जाएगा। अब इंडिया को देखो क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काफ़ी रिसोर्सेज वगैरह चाहिए होते हैं और मतलब टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है, तो इसलिए यह डील साइन की गई है ताकि इंडिया है वो जापान की अच्छी जो रिसोर्सेज वगैरह या न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो भी शांतिपूर्व काम के लिए क्या उनके रिसोर्सेज वगैरह का यूज कर सकता है। तो जुलाई के लिए न्यूज़ थी। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है इंडियन कमेटी वेलफेयर फंड के बारे में, ICWF के बारे में। तो इंडियन कमेटी वेलफेयर फंड है उसे 2009 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था इंडियन कमेटी वेलफेयर फंड है? उसे इसलिए बनाया गया था कि जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, जो कि ओवरसीज इंडियन सिटीजन है, उनको एक्चुअली हेल्प देने के लिए। जिस प्रकार देखो यमन में क्या है कि काफ़ी दंगे हो गए थे, वहाँ पे हालत ख़राब हो गई थी, उस कंडीशन में क्या इंडिया ने वहाँ पे ऑपरेशन चलाया था और उसके बाद क्या क्या था वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इंडिया के उनको वापस इंडिया लाया गया था। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया ने यमन में कौन सी एक्सरसाइज की थी, या मतलब कौन सी अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत वहाँ इंडिया के जो नागरिक थे उनको इंडिया में लाया गया था, ये आपको बताना है। तो यमन के एक तरीके से मिशन चलाया था, प्रोग्राम चलाया था, वो चलाया था उसी तरीके के, वो फंड है वो यहाँ से यूज होता है, वो था इंडियन कमेटी वेलफेयर फंड का। अब देखो इसमें आपको दिमाग में होगा कि फंड कहाँ से आता है। इसमें जो फंड आता है वो आता है कि इंडिया काउंसिल सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। इंडिया काउंसिल सर्विस का मतलब है देखो कि इंडिया की आर्मी है वो काफ़ी अच्छी है, तो वो फॉरेन कंट्रियों में क्या है कि वो कोई सपोर्ट वगैरह वहाँ पे मिशंस वगैरह कंप्लीट करती है, तो उसे फॉरेन एड वगैरह, फॉरेन का जो पैसा वगैरह वो मिलता है, तो उस सर्विस टैक्स से इंडिया क्या है जो ये फंड है ICWF, इस फंड में पैसा जाता है और उस पैसे का यूज होता है ताकि कहीं भी इंडिया के कोई भी नागरिक खतरे में हो तो उनको वापस निकालने के लिए। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा गला खराब है इसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।